और फिर जो ये ज्ञान पेलने वाले आते हैं अलग से कि क्या जरूरत है उसकी, रिलैक्सेशन क्या जरूरत है, अरे रिलैक्सेशन की जरूरत तब क्यों नहीं थी जब एसएससी का एग्जाम हुआ, वहां क्यों मुंह फाड़ फाड़ के रो रहे थे सब लोग, वहां तो बहुत मैंने बनाए। उत्तराखंड से मैं अकेला टीचर था जो चिंगार के बोला उस समय पर, लॉकडाउन में बोला, मैं उस अकेले ने यहां से वीडियो बनाई थी। क्यों हमने नहीं दिया साथ? क्या डिफेंस वाले बच्चों ने उन बच्चों का साथ नहीं दिया? और कुछ लोग ज्ञान फैल रहे थे, मेरे को इसीलिए तो ज्यादा गुस्सा आ जाता है इन चीजों पे। कुछ लोग ये ज्ञान फैल रहे थे कि नहीं वो रैली का तो दे दिया, रैली का किसको क्या दे दिया, 90% के बाद तुमने रैली करवा दी, कितना 90% मेरिट लग रही है, 90% 90% मान लो ना, 90% के ऊपर तुमने रैली में एग्जाम करवा दिए, 90% से नीचे वाला मतलब फॉर्म ही नहीं भर सकता, वो 90% वाला एलिजिबल ही नहीं है। तुम आईएएस 33% में बना रहे हो, मैंने सुबह भी यही बात बोल दी, फिर वो यार मेरा मूड खराब हो जाता है सच्चाई में बोलते ही, आईएएस तुम 33% में बना रहे हो लेकिन नहीं, फौज में जाने के लिए 90% चाहिए, वाह शाबाश। हजार चीजें हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है। अरे रिलैक्सेशन भाई, एनडीए ने क्यों दिया, मेरे को जवाब दो ना इन बातों के, एनडीए ने दो चांस क्यों दिए? 6 सितंबर को पेपर दिलाया तो एनडीए ने दो चांस क्यों दिए? यूपीएससी ने क्यों दिया चांस? तुम्हारे तो 2 मिनट लगती हैं, जो एलिजिबल नहीं है वो कुछ और कर लो। अरे तो पहले बता दिया होता ना, वो बच्चा जो 1 साल अपनी एसएससी करा रहा था यार, फिर वही दिमाग खराब होता है सर, टीचर को उल्टा बोल दे तो उसको हजार चीजें हो जाती हैं, तुम्हें पता है दर्द क्या होता है। और कोई राष्ट्रपति का बेटा जो है वो एयरफोर्स किया, इसकी तैयारी नहीं कर रहा है, एक गांव का गरीब मजदूर का बेटा तैयारी कर रहा है, सब कुछ छोड़ के वो पैसा लगा के वो तैयारी कर रहा है, एक टाइम पे आके तुम ये कहते हो। तुम्हें पता है जो लोग इस समय लास्ट में बैठे हुए हैं, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो जिनका अटेम्प्ट गया हुआ है, क्योंकि जो इस समय लास्ट अटेम्प्ट में बाहर हुआ है ना, जो इस समय लास्ट अटेम्प्ट में बाहर हुआ है जिसकी एज की वजह से, वो सारे सिलेक्टेड मानो कुछ जीडी से बाहर आके हो गए, सारा सिलेक्शन तो वही है, क्या जीप बहुत बीतेगी उसके। तुम नए कैंडिडेट्स को बोल रहे हो कि नया कैंडिडेट है वो तैयारी करे, अरे नए कैंडिडेट के पास तो 2 अटेम्प्ट है, 3 अटेम्प्ट है, अभी अटेम्प्ट बचे हुए हैं, उस बेचारे का क्या होगा, उस बेचारे का क्या होगा जिसके पास लास्ट अटेम्प्ट बचा हुआ है? बेकार की बात यार। बस फर्क इतना है, अपना भला अगर किसी का हो जाए, अपने को कोई दर्द नहीं है तो कोई आवाज नहीं उठाएगा, लेकिन जब अपने पे आएगी तो सबको चाहिए। छोटे छोटे बच्चे 12th पास आउट किए, इनकी क्या गलती है यार? तुम्हें पता है बच्चे ये कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं? जो टीचर पढ़ाता उसी को पता होता कि कैसे मेहनत होती है। तो मैं आपसे बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा भाई कि बच्चों आवाज हमें ही उठानी पड़ेगी, हमें ही जाके ये चीज डिस्कस करनी पड़ेगी, यही तभी बात हो सकती है। लोग तो एसएससी वालों को भी कहते थे कि कौन सुन रहा है किसकी, लेकिन सुना दी ना, अच्छे से सुना दी, तो वही हम लोग को भी सुनानी पड़ेगी। मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर यहां लिख दिया है भाई, मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है टीचर से, सारे बात कर लो आपस में, कल चलना है कल चलो, परसों चलना है परसों चलो, कोई कोई आफत नहीं आ रही, 4 दिन बाद आके भी बच्चों को 12 घंटे की जगह 15 घंटे पढ़ा लेंगे, हमें कोई इश्यू नहीं है, रात को पढ़ा लेंगे हम बच्चों को, यहां कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने कॉन्टेक्ट नंबर लिख दिया है, कल तक ये रिपोर्ट लेके आ जाओ, नहीं तो फिर मैं निकल जाऊंगा अकेला ही, जो होगा देखा जाएगा।